दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9th हिंदी क्षितिज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर है श्यामाचरण दुबे जी द्वारा लिखा उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस वीडियो में पूरे चैप्टर को आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, साथ में इसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में रटने की ज़रूरत ना पड़े। इस चैप्टर की स्पेशल डिमांड की है कीर्ति गुप्ता ने, तो अगर आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक या चैप्टर की वीडियो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। उपभोक्तावाद का मतलब होता है कंज्यूमर, यानी कि जो आप हम सब लोग उपभोग करते हैं किसी भी सामान को, चीज़ को, यानी कि मार्केट में हम किसी भी सामान को अगर खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर हो गए। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में श्री श्यामाचरण दुबे जी ने आधुनिक समय में प्रसारित नए नए विज्ञापनों की चमक दमक से प्रभावित खरीदारी करने वालों को सचेत करते हुए लिखा है। हम लोग मार्केट जाते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं, कई बार ऐसे होता है सिर्फ घूमने जाते हैं लेकिन सामान खरीद करके ले आते हैं। इसी बात को देखते हुए श्यामाचरण दुबे जी ने सचेत किया है आपको, हम सभी को, वस्तुओं के गुणों को देख करके तथा बाहरी गुणों के दिखावे में आकर के कुछ खरीदने की प्रवृत्ति से समाज में दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे दो नज़रिए होते हैं। एक नज़रिया होता है वो सामान हमें चाहिए, उस सामान की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरा नज़रिया होता है हमें अपने पड़ोसियों को दिखाना है, अपने गली मोहल्ले में भी दिखाना, अपनी सोसाइटी में भी दिखाना है कि हमारे पास ऐसा सामान, ऐसे कपड़े हैं। सर्वत्र अशांति और विषमता फैल जाएगी इससे। जब भी हम इस तरह की खरीदारी करते हैं तो इससे अशांति फैलती है। लेखक सोचता है कि आज चारों ओर बदलाव नज़र आ रहा है, इसी तरह से हम देखते हैं कि लोग अपनी ज़रूरत का कम और दिखावे का सामान ज़्यादा खरीदते हैं। जीवन जीने के नए नए ढंग अपनाए जा रहे हैं। सभी लोग सुख सुविधाओं के जाल में फंस करके उपभोग की नई एवं आधुनिक वस्तुओं को खरीदने के लालच में खून पसीने की कमाई को खर्च करने में लगे हुए हैं। देखिए हमें किसी सामान की ज़रूरत है वो तो है, लेकिन अगर हम उसी ज़रूरत को दिखावे में बदल दें तो हमारा जो खून पसीने का कमाया हुआ धन है वो हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमें घर में टीवी की ज़रूरत है, फ्रिज की ज़रूरत है, लेकिन क्या ज़रूरत है हमें बड़ा टीवी और बड़े फ्रिज की? अगर हमारा काम छोटे से चल जाएगा तो हमें बड़े की क्यों ज़रूरत पड़ती है? लेकिन हम खरीदते हैं, हमारी ज़रूरत हो या ना हो हमें पड़ोसियों को भी दिखाना है। बाजार विलासिता की सामग्री से भरा हुआ है, जिनकी खूब बिक्री हो रही है। विज्ञापनों के प्रसार प्रचार ने इन वस्तुओं की ओर आकर्षण हमारा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे टूथपेस्ट आप देख लीजिए, टूथपेस्ट खरीदते हैं हम तो मार्केट में बहुत सारे सामान हैं और इतने सारे एडवर्टाइजमेंट हैं, हम ना चाहते हुए भी कोई सामान खरीद लेते हैं। अब आप टूथपेस्ट देख लीजिए, आपने देखा होगा सबसे पहले लोग दातून करते थे, है ना, डंडी ली और दातून कर लिया, कोलगेट आ गया, उसके बाद देखा चूर्ण आ गया, पेस्ट आ गया, फिर टूथपेस्ट में नमक वाला टूथपेस्ट आ गया भाई, धनिया पुदीना मिर्ची वाला, डाबर लाल दंत मंजन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे वो मतलब माउथ फ्रेश, मतलब बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट के भी विज्ञापन आ गए, मतलब आप सीधा अखरोट तोड़ो दांतों से, इस तरह के विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिसके कारण हम लालच में आ जाते हैं। अब टूथपेस्ट का काम नॉर्मली दांतों को चमकाना है, लेकिन यहाँ पर देखें टूथपेस्ट दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ठीक है, मोती जैसे दांत तो मैंने आज तक नहीं देखे, आपने देखे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बट हाँ, यहाँ पर मैं एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि हमारे दांत मोतियों जैसे चमकने लगे, बिल्कुल लाइट सी और स्टार से हमारे दांतों में आ जाता है ना, मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़े मजबूत बनाता है,
फिर भी आप देखोगे तो हर किसी के दांतों में आज कीड़ा लगा हुआ है। भाई कोलगेट इतना कर रहे हैं हम, उसके बावजूद भी हमारे दांतों में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, जब दुर्गंध भी हटाता है, मोती जैसे चमकीले भी बनाता है, मसूड़े मजबूत भी बनाता है, बबूल या नीम के गुणों से भी युक्त है, फिर भी हमारे दांतों में तकलीफ क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आदि विज्ञापन उपभोक्ताओं का मन मोह रहे हैं। इसी प्रकार से टूथब्रश, भाई टूथपेस्ट तो अलग है, टूथब्रश भी, और आज तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश आ गए, दांत में लगाइए बटन दबाइए अपने आप घूमेगा, है ना, माउथ वॉश हो गया तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों की विज्ञापन खूब आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक नए एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, जो ऐसा लगता है कि बस हम खरीद लें, चाहे हमारे पास पैसा हो, हमारी चाहे ज़रूरत हो या ना हो। साबुन ही देख लो आप, वह साबुन भी ऐसे ऐसे आ गए, सेंट का कमाल साबुन में। परफ्यूम देख लो भाई साहब, मतलब साबुन से इतनी खुशबू आ जाती है कि मतलब दूर लोगों को पता लग जाता है कि भाई कोई घर में नहा रहा या रही है। परफ्यूम आप देख लो, है ना, एक परफ्यूम मैंने देखा कि एक लड़का परफ्यूम लगाता है और पड़ोस में जो लड़कियां गली में जा रही होती हैं सारी जो उसकी तरफ दौड़ी आती है। भाई परफ्यूम ही तो है, चुंबक थोड़ी ना है, लेकिन इस तरह से दिखाया जाता है, सारे नौजवान उसी परफ्यूम को खरीदने की होड़ में लग जाते हैं। हालांकि ऐसे विज्ञापनों पर कोर्ट ने शिकंजा भी कसा है। आफ्टर सेव, लोशन, कोलोन आदि अनेक सौंदर्य प्रसाधनों के लुभावने विज्ञापन उपभोक्ता को आकर्षित करके उत्पाद खरीदने को बाध्य कर देते हैं, मतलब मजबूर हो जाता है इंसान ऐसे चीज़ों को खरीदने के लिए। उच्च वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल 30,000 से अधिक मूल्य की सौंदर्य प्रसाधनों से भरी रहती है। भाई 30,000 क्या है, आज तो लाख लाख रुपए का सामान लोग सिर्फ मेकअप पर लगाते हैं। एक टाइम था जब जेंट्स के लिए सिर्फ एक तेल होता था सर पे लगाने के लिए, और बस साबुन होता था जिसे वो मुंह धोते थे, लेकिन आज देखो जेंट्स के लिए भी एक से बढ़कर एक क्रीम आ गए, सेविंग से पहले, सेविंग के बाद, शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो, बाल खड़े करने हो, भाई सब इतने तरह के प्रसाधन आ गए। और महिलाओं की तो बात ही क्या है, महिलाओं के लिए तो भाई साहब सिर्फ मुंह सजाने के लिए इतने सारे हैं, बाकी की हम बात ही क्या करें। ये सारे के सारे जो आइटम है ना, ये हमें सिर्फ लुभाते हैं, कितना काम करते हैं वो तो आप ही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा कौन सा तेल है जिससे बाल इतने लंबे हो जाएं, इतने काले हो जाएं, इतने घले हो जाएं कि वो चमकने लग जाते हैं। आज तक मैंने किसी लड़की के बालों को चमकते हुए नहीं देखा है, बट हाँ एडवर्टाइजमेंट में बाल चमकते हुए। इसी प्रकार से परिधान के क्षेत्र में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं जो महंगे एवं नवीनतम फैशन के वस्त्रों से भरे पड़े हैं, जहाँ जाकर के उपभोक्ता दिग्भ्रमित हो जाता है एवं ठगी का शिकार हो जाता है। लोगों के कपड़े भी देखो ऐसे ऐसे स्टाइल्स आ गए भाई साहब, और कुछ तो ऐसे सोशल मीडिया ने कर दिया, और कुछ तो ऐसे एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं जो कमाल कर देते भाई साहब। उर्फी जावेद का नाम जैसे ही मन में आता है ना, क्या कपड़े पहनती है यार, हद ही हो गया। अरे सुंदर दिखने के लिए लोग कपड़े पहनते तन ढकने के लिए, लेकिन यहाँ तो तन को दिखाने के लिए सुंदर बनाया जा रहा है, और वो भी विज्ञापनों से। अनेक डिजाइनों में 1,00,000 तक की घड़ियाँ मिलती है भाई साहब, घड़ी देखो आप, मतलब घड़ी आम तौर पे, सामान्य तौर पे टाइम देखने के लिए काम आता है। अब आप ये मान के चलिए कि 50-100 रुपये की घड़ी भी हमें टाइम दिखाएगी, लेकिन लाखों और मतलब महंगे महंगे घड़ियों का क्या काम है, है ना, सिर्फ हमें लुभाने और ललचाने के लिए होते हैं। अब तो ऐसे ऐसे कपड़े आ गए हैं, एक टाइम था जब हम गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हमें समझ नहीं थी कपड़ों की, तो हम नंग धड़ंग रहते थे, बिना कपड़ों के ऐसे चलते थे। हम धीरे धीरे शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए, लेकिन आज लगता है कि हम पहले से भी और ज़्यादा गंवार हो गए, क्योंकि हम कपड़ों के नाम पे क्या पहन रहे हैं, और ये सारा का सारा काम विज्ञापन कर रहा है। अब घरों में म्यूजिक सिस्टम देखो, कंप्यूटर रखना फैशन हो गया,
मतलब कंप्यूटर चाहे जरूरत हो या ना हो, चाहे उस पर काम हो या ना हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बस दिखावा रह गया है। 5 सितारा होटल में शादियाँ हो रही है, इसी शादियाँ भी 5 स्टार होटल में हो रही है। आज भी आप गांव में जाओ तो सुंदर से खेत में शादी हो जाती है बड़े सस्ते में, लेकिन शहरों की शादियाँ देखो आप 5 स्टार 7 स्टार, मतलब बीमारियों के लिए भी 5 स्टार होटल बन गए, मतलब यार हद हो गए। अस्पताल भी 5 स्टार हो गए, होटल भी 5 स्टार हो गए, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल भी 5 स्टार हो गए, मतलब यार हद हो गई है। प्रचार भी देखो इस तरह से, फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो दिल्ली में भी SOSC स्कूलों का प्रचार क्या गजब होता है। ऐसा लगता है जैसे SOSC स्कूलों में पढ़ने के बाद सीधा बंदे को जॉब मिलेगी, मतलब लाइफ सेट है, इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने, हम इस चकाचौंध में आ जाते हैं। शायद निकट भविष्य में कॉलेज और विश्वविद्यालय भी 5 स्टार बन जाए, 5 सितारा होटल, 5 सितारा है ना, हर चीज़ 5 स्टार हो रहे हैं। विदेशों में तो भाई गजब हो गया, विदेशों में तो मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार का प्रबंध कर दिया जाता है। भाई अंतिम संस्कार कितना महंगा और सस्ता करना चाहते हो, आप पहले पैसे दे दो, भाई मेरे अंतिम संस्कार में 1 लाख रुपए खर्च करने हैं तो भाई उस हिसाब से अरेंजमेंट हो जाएगा, 5 लाख खर्च करने हैं तो उसी हिसाब से अरेंजमेंट हो जाएगा, 50,000 करोगे तो भाई सस्ता अंतिम संस्कार होगा। मतलब आदमी जीते जी तो इन विज्ञापनों में रहे, मरने के बाद भी आदमी को विज्ञापन लपेटे रखते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मतलब अगर आपने भाई 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च कर दिया अंतिम संस्कार के लिए, तो आपके कब्र के आगे हरी हरी घास होगी, खुशबू आ रही होगी, मनचाहे फूल खिले होंगे। प्रतिष्ठा प्राप्ति के इस संसार में अनेक रूप हैं, चाहे वे हास्यास्पदी क्यों ना हो, चाहे हंसने वाली क्यों ना हो, यार हंसते ही तो ये लोग, मतलब लोगों ने अपने कपड़ों को ऐसे ऐसी जगह से फाड़ा है ना भाई, जहाँ हमें ढकना चाहिए लोग वहीं फाड़ रहे हैं कपड़े, और ऐसे कपड़े मार्केट में आराम से बिक रहे हैं। भाई प्रचार भी ज़बरदस्त हो रहा है, लोग पता नहीं कहाँ दौड़ रहे हैं, भले ये लोग फनी बन जाए चलेगा, उर्फी जावेद को देखो लोग हंसते हैं, लोग फिर भी कपड़े फटे वाले कपड़ों के ऊपर लोग हंसते हैं, फिर भी लोग पहन रहे हैं। यह एक सूक्ष्म झलक आज के उपभोक्तावादी समाज की है, क्योंकि हमारा समाज विशिष्ट और सम्मानित व्यक्तियों का है, परंतु सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखकर आकर्षित होते हैं। भैया एक ने कपड़े फटे हुए पहन लिए कि बस हमें भी चाहिए, एक ने महंगा मोबाइल ले लिया आईफोन तो भाई हमें भी चाहिए, मतलब एक ने जैसा काम कर लिया, जैसे कपड़े, जैसा रहन सहन खान पान पड़ोसी का है ना, हमारा उससे अच्छा होना चाहिए। मतलब अगले बंदे ने 5 लाख रुपए शादी में खर्च किए तो हमें 10 करने हैं, भले ये उधार लेना पड़े। लेखक को चिंता है कि भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति का इतना फैलाव क्यों हो रहा है, क्यों इतना लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं सिर्फ दिखावे पर। लेखक को लगता है कि आज का उपभोक्तावाद सामंती संस्कृति से ही पैदा हुआ है, इससे हम अपनी संस्कृति की पहचान खोते जा रहे हैं। अब संस्कृति खो रहे, पहचान खो रहे, कपड़े तन ढकने के लिए होता था लेकिन आज वहाँ से फाड़ रहे हैं जहाँ हमें ढकना चाहिए, हमें ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे हमें बचना चाहिए था, हम वो चीज़ शो कर रहे हैं जो कभी हमारे गुप्त हुआ करते थे। एक टाइम था जब शादी का जो बेडरूम है वो एक मतलब गुप्त रखा जाता था, लेकिन आज लोग पब्लिसिटी देखो, लोग शमशान घाट में भी लोग प्रचार कर रहे हैं, तो कहाँ ये हमारी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। लेखक को बड़ी चिंता है कि क्या होगा हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का, हमारे उच्च वर्ग लोगों का। हम पश्चिमी देशों की नकल करते हुए बौद्धिक रूप से उनके गुलाम बन रहे हैं, हम आधुनिकता के झूठे मानदंड अपनाकर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की अंधी होड़ में अपने रीति रिवाज परंपराएं संस्कृति समाज सब भूलते जा रहे हैं। क्या मम्मी, क्या पापा, भाई बहन, कोई रिश्ता नहीं देख रहे, बस
उस अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं और हमारा समाज भटक रहा है। न पापा की इज्जत, न बेटी की इज्जत, न माँ, मतलब रिश्ते समाज सब सोसाइटी का सब तहस नहस कर दिया है, जिसके कारण हमारे सीमित साधन व्यर्थ नष्ट में हो रहे तथा हमारे परिश्रम की कमाई भी व्यर्थ ही नष्ट हो रही है। लेखक सोचता है कि हमारी उन्नति आलू के चिप्स खाने तथा बहुविज्ञापित विदेशी शीतल पेय जल पीने से नहीं हो सकती। हमें अगर अच्छा दिखना है तो महंगा मतलब खान पान हो जरूरी नहीं है, है ना। तो हम अपनी जो एक मेहनत की कमाई है वो तो लगा रहे हैं, साथ में अपने शरीर का, अपने संस्कृति का, अपने रीति रिवाजों को भी नष्ट करते हुए जा रहे हैं। पिज्जा बर्गर को लेखक ने कूड़ा खाद्य माना है, क्योंकि खाने के लिए रोटी सब्जी दाल चावल है। अगर हम पिज्जा बर्गर नूडल चाउमीन ये सारी चीज़ें खाने लगें तो कहीं ना कहीं कूड़ा करकट है और इंसान को डेड बना रहा है, जल्दी से मृत करने की ओर ले जा रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है कि लोग दिखावे के लिए क्या क्या करने लगे हुए हैं, क्या क्या हो रहा है हमारे समाज में दिखावे के लिए, है ना। तो आपको जो भी लगता है थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस कमेंट में रखें ताकि हमें भी अच्छा लगे और एक्सपीरियंस हमारे जुड़े। समाज में आज आपसी प्रेम की कमी हो रही है, जीवन स्तर में निरंतर उन्नति के कारण समाज के विभिन्न वर्गों में द्वेष बढ़ता जा रहा है। भाई द्वेष तो बढ़ेगा ही, मेरे पास ऐसा है तो पड़ोसी उससे और अच्छा, पड़ोसी के पास अच्छा हो जाए तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे होता है ना अड़ोसन पड़ोसन में लड़ाई, उनके पास अगर फ्रिज आया है तो हमारे पास डबल डोर का आना चाहिए, मतलब सब कुछ दिखावा चल रहा है। ऐसे में दुश्मनी बढ़ रही है, प्यार मोहब्बत सब गायब हो रहा है, इससे समाज में विषमता और अशांति बढ़ रही है और हमारी सांस्कृतिक पहचान नष्ट होती जा रही है। मर्यादाएं समाप्त हो रही, जब फटे फटे कपड़े पहन के बेटी पापा के सामने जाएगी, जब वो अजीब सा टपोरी लुक लेकर के जब बेटा मम्मी के पास जाएगा तो क्या वो माँ सोचेगी, क्या वो पिताजी सोचेंगे अपने बच्चों के बारे में। नैतिक पतन हो रहा हमारा, हम समझ नहीं आ रहा कि वो फटे कपड़े पहन करके एक बेटी अपने पापा के पास कैसे जा पाती है। मुझे हैरानी होती है कि उर्फी जावेद कैसे अपने फैमिली वालों को, अपने रिलेटिव्स को शक्ल दिखा पाती होगी, उनसे कैसे फेस टू फेस हो पाती होगी। स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है, समाज भोग प्रधान बनता जा रहा है, हर चीज़ हमें भोग के लिए चाहिए। फोकस होता है माँ हमें कि हमें अच्छी चीज़ें मिले, अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो, अच्छी सोसाइटी में अपनी पहचान हो, भले हमें उसके लिए उधार लेना पड़े, चोरी करनी पड़े, उल्टे सीधे काम करने पड़े। गांधी जी ने कहा है था कि हम सब ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्य ग्रहण करें परंतु अपनी पहचान बनाए रखें। हम चाहे कोई बात नहीं मॉडर्न हो लेकिन अपनी खुद की पहचान बनाए रखें, गांधी जी कहते थे। यह उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। एक समाज है ना, नींव हिल रही है, कोई रिश्ते ख़त्म, नाते ख़त्म, रीति रिवाज ख़त्म, परंपराएं ख़त्म, मान्यताएं ख़त्म, मतलब कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, तो हमारी नींव हिल रही है। हमें इस बड़े खतरे से बचने के लिए सोचना चाहिए और देश के भविष्य की सुरक्षा के लिए उपाय खोजने चाहिए। आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट एंड सजेशन ज़रूर दें, इस तरह से अंधी दौड़ में हमें क्या करना चाहिए ताकि वो प्यार प्रेम रिश्ते अपने नाते सब वापस आए और हम अपनी पहचान को दोबारा से स्थापित कर पाएँ। तो ये आपका पास चैप्टर है, पूरे चैप्टर को मैंने सिंपल तरीके से समेटने और समझाने का प्रयास किया है। ओवरऑल जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, वो हमें इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें ना चाहते हुए भी, हमारे ना हो पसंद फिर भी हम चीज़ें खरीदते जा रहे हैं, उस अंधी दौड़ में पागल होते जा रहे हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो समझते हैं इसके। तो दोस्तों पहला सवाल है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। हम सुख के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन लेखक के अनुसार क्या है सुख आज के टाइम में। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग करना है, बस हमें अच्छा खाना मिल जाए तो यही सुख है, अच्छा पहनने के लिए मिल जाए तो यही सुख है, अच्छा महंगा मोबाइल मिल जाए तो यही सुख है,
जबकि सुख रियलिटी में कुछ और ही है। अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं, परंतु आजकल केवल लोग उपभोग को ही सुख कहने में लगे हुए हैं। रिश्ते नाते ख़त्म हो रहे हैं, सिर्फ सुख क्या है, मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाए जो मेरी ज़रूरत हो, मेरा स्टेटस इतना अच्छा हो कि पड़ोसी अट्रैक्ट हो जाए, तो हमें लगता है कि बस अपना सुख यही है। अगला सवाल है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? हमारा पूरा दैनिक जीवन ही प्रभावित हो गया है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के सामने। हम सब चीज़ पड़ोसी को देख करके, सब चीज़ लोगों के लिए कर रहे हैं। पैसे हमारे हैं, शरीर हमारा है, लेकिन दिखावा दूसरों के लिए। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित ही नहीं बल्कि तबाह हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग का ही सुख समझने लगा है, इस कारण लोग अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें यूज़ कर ले हम, बस हमें सब चीज़। और बड़े तो बड़े, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी इतने एडवांस हो चुके हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद करके दिखावा करने लगे, उन्हें दिखावा करना है। महंगे कपड़े इसलिए नहीं पहनने कि हमें अच्छा लग रहा है, इसलिए पहनने कि दूसरों को अच्छा लगाना है। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमज़ोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच में दूरियां बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। भाई अच्छे महंगे कपड़े पहने तो पता लग जाता अमीर है। अब एक गरीब भी अमीर बनने के लिए वही प्रयास करता है, इस चक्कर में वो अपना नुकसान कर जाता है और अपनी जो जमा पूंजी उसे सब बर्बाद कर जाता है। अगला सवाल है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनौती है, चैलेंज है हमारे लिए। क्यों? चैलेंज ही तो है, ऐसा ही चलता गया तो हमारा एंड कहाँ होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि सामाजिक मान्यताएं हो, मर्यादा हो, बाप बेटी का, बेटा माँ का एक मर्यादा हो। वे सादा जीवन जीना पसंद करते थे। हालांकि गांधी जी भी पहले बड़े स्टाइलिश हुआ करते थे, टाई और कोट पहनते थे, लेकिन बाद का उन्होंने जीवन अपना शांति वाला, उच्च विचार वाला व्यतीत करना चाहा। आपसी वे चाहते थे कि समाज में प्रेम हो, सौहार्द हो, आपस में भाईचारा हो, संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चल रही है। भाई प्यार प्रेम खत्म हो रहे हैं, लोग सादा जीवन कहाँ जी रहे हैं। लोग तो महंगे से महंगे कपड़े चाहिए, महंगा से महंगा आइटम चाहिए, है ना। शादी में भी आप देखोगे तो ऐसे ऐसे आइटम होते हैं जिनको मतलब ना खाए तो भी चल जाएगा, लेकिन भाई रखना है। वह भोग को बढ़ा रही है, सिर्फ भोग को बढ़ा रही है तथा नैतिकता मर्यादाओं का तिलांजलि दे रही है, उनको ख़त्म कर रही है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहे, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागे, परंतु आज उपभोक्तावाद की संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपने आप को मिटा चुके हैं। सिर्फ हम अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। फटे कपड़े पहनना हमारी संस्कृति नहीं थी, हमारी संस्कृति तन ढकना, हमारी संस्कृति पिज्ज़ा बर्गर नहीं था, लेकिन आज हमने एडोप कर लिया है। और आज तो घर घर में पिज्ज़ा बर्गर, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लेडीज़ क्या जेंट्स, सब खा रहे हैं। तो ये चुनौती है, आगे आने वाला टाइम कैसा होगा ये सोच करके थोड़ा डर भी लगता है। आशा स्पष्ट कीजिए, जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। हम जाने अनजाने में कपड़े देखेंगे पड़ोसी के, तो हम पर भी तो असर पड़ेगा ना, है ना। भले आपने ठीक ठाक कपड़े पहने हैं, लेकिन शादी पार्टी में गए हो आप, तो आप जिनको देख रहे हैं उनके कारण आप पर भी फर्क पड़ेगा। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, पहला सवाल है। दूसरा कि प्रतिष्ठा के रूप अनेक होते हैं, रूप अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो। हमें दिखना है इतना अच्छा, चाहे हमारा मजाक बन जाए। तो मैंने उर्फी जावेद का एग्जांपल दिया, वो ऐसा दिखना चाह रही है फेमस होने के लिए, लोग मजाक बना रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा। आइए देखते क्या आंसर है इनके। पहले प्रश्न क्या है,
उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा दे रही है। लोग उपभोग का कोई सुख मान करके भौतिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं, है ना। हमें भाई गाड़ी महंगी हो, खान पान महंगा हो, होटल महंगा हो, अरे भाई उसी होटल में आपको वो खाना मिलेगा और वही आपको नॉर्मल होटल में खाना मिलेगा, लेकिन दिखावा करना बड़े होटल में। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जा रहे हैं, जिससे चरित्र पर असर पड़ रहा है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें क्वालिटी है या नहीं, बस वही वाला परफ्यूम लेना है जिसको लगाने से लड़कियाँ चिपक पड़ती है। तो अब हर लड़का जो है ऐसा ही परफ्यूम लगाना पसंद कर रहा है। अब अगर सारी लड़कियाँ चिपकेंगी तो अपने घर में भी तो है ना भाई, अपने घर में माँ है, बहन है, बेटियाँ हैं, तो सेम परफ्यूम लगा करके कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तो चरित्र पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगला देखो, लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपना रहे, उसमें कुछ अनुकरणीय भी होते हैं, कुछ उपहास का कारण मजाक बन जाता है कई बार हमारा, है ना। पश्चिमी देशों में एक लड़का देखा मैंने, उसने यहाँ छेदा हुआ था आँख और वो लटक रहा था, एक दो और छेद लेता, मैंने कहा भाई चार पांच और छेद ले तो पूरा ही ढक जाए, इसमें भी ढक ले तो पूरा एक अंधा बन जाएगा। तो क्या हम दिखा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। हम चाहे हंसी का पात्र बन रहे हैं लेकिन लोग करे जा रहे हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार के लिए पहले ही सामान बजोड़ के और भाई सेट कर रहे हैं, मतलब आपके मरने के बाद आपके डेड बॉडी के सामने खुशबू आनी चाहिए, हरी घास होनी चाहिए, इसके लिए भी महंगा और मूल्य चुका रहे। ये भी तो हंसने वाली बात है ना भाई, आदमी मर गया लेकिन फिर भी अपनी डेड बॉडी का जुगाड़ कर रहा है। कोई हम वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी विज्ञापन देख करके हम उसे खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो मैंने कहा ना आपको कि भाई टूथपेस्ट में नमक था, फिर पुदीना आया, फिर धनिया मिर्ची आया, और हम वो टीवी देख करके ही तो ऐसे महंगे सामान खरीदते हैं। मुझे याद है मेरा एक दोस्त जो है वो कपड़े खरीदने गया था और बाहर देखकर डमी पर एक शर्ट, मतलब फिटिंग वाला बढ़िया परफेक्ट वो शर्ट से पहनाया हुआ था। तो अब उस लड़की को वही वाला शर्ट चाहिए जो डमी पर है, है ना। तो हम भी ऐसा ही दिखना चाहते जैसा लोग दिख रहे हैं। टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब आपके बाल ऐसे हो जाएंगे कि बस नागिन की तरह लौटने लग जाएंगे, शाइनिंग हो जाएगी बालों में, लंबे हो जाएंगे। अब लंबे होने हों तो जेंट्स भी वही तेल लगाता है, जेंट्स के बाल तो इतने लंबे नहीं होते बट दिखाया जाता है। वे हमारे आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों तथा ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वह हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते। आजकल जो नए नए बच्चे हैं ना, उनका तो पूछे ही मत, वो ऐसे क्या क्या कर जाते हैं। एंड बहुत सारा काम तो आज सोशल मीडिया कर रहा है बच्चों को बिगाड़ने में, खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं, इसीलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित करती हैं और हम उन्हें ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? बिल्कुल सही सवाल है भाई, चीज़ों को क्वालिटी देकर खरीदें या आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा था इसलिए खरीदें, है ना। हमारे अनुसार वस्तुओं को भाई, मेरे अनुसार देखो वस्तुओं को, उसकी क्वालिटी देखो, उसकी ज़रूरत देखो कि हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है, है ना। तो भाई अभी वीडियोज़ बनाने के लिए लोगों के पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एंड जब हम लोगों की वीडियो देखते हैं तो ये भी रखा, वो भी रखा, वो भी रखा, लेकिन हमारी वीडियो सिंपल बनती है, हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, है ना। शायद इसीलिए हमारी वीडियो ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि सिंपल है। आज के लोगों को दिखावा ही चाहिए। वस्तुओं को खरीदने के लिए उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की एक उक्ति भी सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब भैया आजकल तो लोग तलवार का मोल नहीं बल्कि म्यान का मोल कर रहे हैं। अपने पास भले कुछ ना हो लेकिन दिखना है, महंगे कपड़े होने चाहिए, महंगा स्टाइल होना चाहिए, है ना, चाहे उधार करके करो। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, हालांकि विज्ञापन होना चाहिए
विज्ञापन से हमें नॉलेज बढ़ती है, बट उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि से खुद समझ करके परख करके करना चाहिए एंड उसी के बाद सामान को खरीदना चाहिए। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, हर जगह दिखावा दिखावा शो, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़र में अच्छी है। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्य को सुंदर दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। पहले तो दिखावा सिर्फ औरतों में होता था, मैंने कहा ना आपको, आजकल तो पुरुष भी इस दौड़ में बहुत आगे निकल गए। नए नए परिधान, फैशनेबल कपड़े लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब भैया लड़कियाँ तो लड़कियाँ, यहाँ पर जेंट्स भी, आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते बल्कि स्टाइल दिखाने के लिए घड़ी पहनते हैं, है ना। लाखों लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 स्टार, होटल 5 स्टार हो गया, स्कूल 5 स्टार हो गया, आपका रेस्टोरेंट 5 स्टार हो गया, आपकी हॉस्पिटल भी 5 स्टार हो गए, धीरे धीरे भाई साहब कब्रिस्तान भी 5 स्टार हो जाएंगे धीरे धीरे, मतलब हर चीज़ 5 स्टार हो गया। लाखों रुपये खर्च करते हैं, चाहे अपनी हैसियत हो या ना हो, इसे तनाव में आता आदमी, इससे टेंशन में आ जाता है, इससे जो है मन में अशांति फैलती है। एक ने जैसे कपड़े पहने दूसरे का दिमाग खराब हो गया। भाई फिर से मैं उर्फी जावेद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने उर्फी जावेद को देख लिया ना तो आप ये मान के चले कि वह वैसा ही इन्वायरमेंट बन जाता है। और एक ने अगर बढ़िया सा महंगा 5,000-10,000 रुपये के कपड़े खरीद ली तो पड़ोसी को भी वही चाहिए। अगर पड़ोसी के पास महंगा मोबाइल है आईफोन तो भाई अपने घर में भी हो जाती है लड़ाई, भाई हमें भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं दुश्मनी बढ़ रही है ना। बाकी आपको क्या लगता है दिखावा क्या क्या और कहाँ कहाँ होता है यार, प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे रीति रिवाज त्यौहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, तो भाई रीति रिवाज तो प्रभावित हो ही गए, है ना। आज लोग शादी पार्टी में जाते हैं, खाना खा पी के फ़ोटो खिंचवा के आ जाते हैं, दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है कोई लेना देना ही नहीं है। आज उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से ही हमारे रीति रिवाज और त्यौहार अछूते नहीं रहे हैं। हमारे रीति रिवाज और त्यौहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते थे। कभी ऐसे त्यौहार होते थे, लोग आते थे जाते थे, मिलते थे, हंसते थे, खेलते थे, इंजॉय करते थे, आपस में प्यार प्रेम था। परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव में बदलाव आ गया। अगर भाई अपने कपड़े महंगे नहीं है ना तो हम छुपने की कोशिश करेंगे, और अगर अपने कपड़े स्टाइलिश है महंगे हैं तो पड़ोसी हमसे दूर दूर जाएंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसे करके कि हम शादी पार्टी में गए और आपस में मिल भी नहीं पाए। इससे त्यौहार अपने मूल्य से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भी भाई को बहन स्टाइल के लिए, फैशन के लिए, दिखावे के लिए राखी बांध रही है, और महंगा गिफ्ट मिलेगा इसलिए, तो प्यार प्रेम भी जो है ना गिफ्ट और दिखावे में। दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते हैं, परंतु बिजली की लड़ियाँ और तरह तरह के हो गए, तो ये भी सब त्यौहारों को ख़राब कर रहे हैं। आप हमारे WhatsApp चैनल और Instagram ID से जुड़ सकते हैं। आपको WhatsApp चैनल एंड Instagram की जो ID है वो सबको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ये वो सवाल थे जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। आई होप आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट हम तक ज़रूर शेयर करते रहें। आप कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने स्कूल का भी नाम ज़रूर रखें कि हमारी वीडियो कौन कौन से स्कूल में देखी जाती है। शेयरिंग करते रहें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप नेक्स्ट कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट कर दीजिए। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। जय हिंद।